आपका नाम बताओ सर। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, कहाँ के रहने वाले आप? औरंगाबाद बिहार, दाऊद नगर के पास। ठीक है, पेशेंट आपकी माताजी है जी, है ना? माताजी की उम्र है 46, अप्रोक्सीमेट 20 दिन के आसपास हो गए। ठीक, आपके पेशेंट को डॉक्टर ने मना कर दिया था, बोला था कि मतलब ठीक नहीं हो सके, लंग्स कार्सिनोमा। हाँ, ब्रेन के अंदर भी बताया था, ब्रेन के अंदर भी। हाँ, मतलब पूरे शरीर में फैल गया, पूरा शरीर में फैल गया, लीवर में था, ब्रेन में था, लंग्स में था, मेटास्टिक बता रखा हाँ, था। ठीक, आप मेरे पास आए थे, उस समय पेशेंट की क्या कंडीशन थी, फिजिकली बॉडी में क्या दिक्कतें थी? उसको बेड से मतलब उठ नहीं पाते थे, उतना सही से ताकत नहीं मिलता था, बट अब अपने से उठ जाती है फटाक से, बाथरूम चल जाती है, लैट्रिन चल जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब उसको सहारे की जरूरत नहीं है, सहारे की जरूरत नहीं है। आपके पेशेंट को और भी आपने जैसे मेरे को बताया था कि उल्टियाँ, उल्टियाँ आती थी बहुत, दिन भर 5 बार 6 बार खाना खाते थे, हाँ, मतलब हो जाता था, वोमिटिंग हो जाता था, क्योंकि अब नहीं होता है। रात उल्टी भर कितने दिन में बंद हो गई थी आपकी? उल्टी कम से कम 5 दिन। दूसरा ये था कि उनको भूख नहीं लगती थी, भूख तो पूरा लग रहा है, प्रॉपर ढंग से लग रहा है, बोलते हैं कि ये खाएंगे वो खाएंगे, अभी आप बात किए तो। जो मतलब खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी उसकी, हाँ आज वो कहती है कि रात को भी भूख लगती है। हाँ टेस्ट भी नहीं बुझाता था उसको, अब टेस्ट बुझाने लगा है। अच्छा, खाने का कोई टेस्ट भी नहीं था। हाँ, तो ठीक, बोलते थे क्या खा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा हमको, कुछ लीवर टेस्ट नहीं केस में बुझा ऐसा रहा, होता है। टेस्ट नहीं बुझाता था। अब बोलते टेस्ट बुझा रहा, अब हमको कुछ कुछ चाहिए, हम बोले हाँ, जो है वही खाना है अभी पूरा। सेंस नहीं था, हाँ, सेंस नहीं था, वो पता नहीं चलता था उसको, बॉडी में सेंस नहीं था कि बाथरूम हो रहा है कि नहीं वो मतलब बाथरूम लगा, टॉयलेट लगा, टॉयलेट कुछ लगा है, क्या पता नहीं लगा, चल रहा सेंस था। नहीं था तो पता चलने लगा उसको सही ढंग से, जो बोला जाता है आपके। ना जमीन हाँ पैर होता है हाँ खिसक जाना, उस हाँ हिसाब से होता है। ये सच्चाई है सर। जिस दिन पता चला था मेरी माँ को कैंसर, उसके वो हमसे पूछ रहे थे बताओ बताओ, हम 3 दिन तक नहीं बताए थे। जब उसको महावीर कैंसर स्थान ले गए पटना में, तो बोले कि हमारा कैंसर है, रोने लगे। हम बोले कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, सबको ठीक हुआ है, तुम्हारा भी ठीक होगा। अब कैसा लगता है सर, एक बात बताना। अब तो ठीक है, मतलब डर नहीं है, मतलब उसको जब कंट्रोल हुआ तो हम माइंड से निकाल दिए, चलो अब बताओ तुम्हारा। मम्मा भी बोलती है कि कोई कोई दिक्कत, हम टेंशन में कुछ भी नहीं है, हम ठीक होंगे। क्योंकि हमें जो पता है ना सर, जीभ देखना, आंख देखना, रिपोर्ट देखना नहीं, तो आज इस आयुर्वेद को ऐसे देखते थे, लेकिन अब क्या है कि रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स तो आपको मना ही कर दिया था, और उस पेशेंट को बोल रहे कि 18 दिन में वो 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? अभी बोल सकते हैं 50-60 बोल सकते हैं। 50-60। देखो एक बात करता हूँ, 20 दिन के अंदर अगर मैंने 60% भी मार्क्स ले लिए सर मैंने आयुर्वेद से, तो बहुत, ये तो कहते थे कि हो ही नहीं सकता ठीक, इतना नीचे दबाया गया था आयुर्वेद को। डॉक्टर कहते कि क्यों चक्कर में पड़ते हो आप लोग, मैं तो मेरे मार्क्स अगर मैं कहूं कि आप मेरे को 2% भी दोगे ना तो मेरी जीत है। देखो मैंने तो कहीं बेवकूफ नहीं बनाया, आपको तो हार दिखी थी तब आए थे, आज मैं इतना कह सकता हूं कि अब कैंसर से ना डरे, ये बात तो आप बोल सकते हो सर। क्योंकि जो कहते पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, अब तो लगता है कि वाकई में एक जमीन नीचे थी जो हमें अब आज जो दिखी। वो माहौल हुआ ना, अब मतलब पापा भी, मम्मी भी, भैया भी, सबको सही है, मतलब हाँ ठीक है, सुधार हो रहा है। अब दर्द के लिए मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, आपको बता दूं मेरी दवाइयां तो दर्द करेगी, क्योंकि गौमूत्र की दवाइयां हैं, जैसे मैंने जीभ में का पेशेंट था, मैंने बोला गौमूत्र के गरारे करो, अब गौमूत्र जख्म पर लगेगा तो क्या हाल होगा सर, दर्द करेगा, दर्द करेगा, तो मैंने कहा था मेरी दवाई दर्द करेगी, और जब मेरी दवाई से दर्द ठीक हो गया तो आप ये समझ लेना कि पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन दर्द की दवाई दे दी तो आपको भ्रम में डाल दिया, पेन किलर नाम से कुछ नहीं दिया। तो आज एक कैंसर का नाम को लेकर मैं लोगों के सामने एक ही बात रखना चाहूंगा, वो भी आप ही के माध्यम से, कि वाकई में कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एक सामान्य रोग है, लेकिन कैंसर का पेशेंट को देख कर लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी, जब बाल झड़ जाता है और वो डरावना साहब, हाँ मतलब डरावना, हॉस्पिटल में जो हम रहे ना 15 दिन रहे हम, हाँ डर लग रहा था डर हमको लगने लगा था, देखते देखते। मम्मी बोलते थे हमसे नहीं होगा, और गारंटी क्या मैंने आपकी ली थी सर, नहीं गारंटी नहीं लेते आप। ना तो पहले वाले की गारंटी लेता और ना ही आखिरी वाली, एक सच रखूंगा हमेशा लोगों के सामने। ठीक है सर।